वेरी न्यू इनिशियेटिव यूपीएसएस प्रोग्राम फॉर प्रलिम्स एंड मीनस ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सके और ये देख सके आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसके अंदर वी विल कवर सम प्रम्स रिलेटेड क्वेश्चन

explanations with relevant examples.

आप मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो आपके पास कंटेंट काफी ज्यादा रहता है तो यू नो अबाउट जवाहरलाल नेहरू यू नो अबाउट सोशलिस्ट आइडियाज़, बस उसी को अब आपको अच्छे से आंसर के विदिन फ्रेम करना है हम लोग सिलेबस में देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द देखिए पर्सनालिटीज के बारे में तो आपसे आप क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस जे नेहरू के बारे में आप काफी ज्यादा पढ़ते हैं इसके अलावा भी किसी एक हो सकता है कि जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हो उन पर भी बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मैंने इस क्वेश्चन को एल कैटेगरी में रखा है फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन

बस हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है और इससे जो है एग्जाम में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फोकस क्या करना है व्हेन किसी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी या उनके किसी एक पर्सनल आइडियोलॉजी पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आया है तो आप वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए अगर टू फिफ्टी है तो इवन इफ यू राइट अ वेरी गुड आंसर विद इन टू और टू हंड्रेड वर्ड्स और टू ट्वेंटी जरूरी नहीं है कि आप टू फिफ्टी ही लिखे लेकिन अगर आप टू हंड्रेड लिख रहे हैं हैं, तो वो सिग्निफिकेंट वर्ड लिखिए और इस तरह से लिखिए कि आप मैक्सिमम जितना भी वेल्युएल uh, पॉइंट जो सोच सकते हैं उसको आप अपने आंसर में इंक्लूड करें तो इसका कोशिश करना है रेदर देन गोइंग टू कि कैसे कंप्लीट होगा हमारा 250 फिफ्टी वर्ड तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बहुत स्पेसिफिक है किसी एक पर्सन मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछा गया है तो फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर पॉइंट लिमिट ठीक है ये एक आप बोल सकते हैं की है टू हैंडलिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन अब यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू अ अस्ट्रॉच एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग अ सोशलिस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर सोशल ओनरशिप एंड इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नाउ दिस इज अ वेरी जेनरिक इंट्रोडक्शन हम

तो यहां पर दिया हुआ एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाई जे एल नेहरू इन प्रमोटिंग आइडिया ऑफ सोशलिस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इसके बाद सेकंड पार्ट है इट्स इन्फ्लुएंस विद इन इट कंट्री जिसको हमें बताना है और हमें एक्सप्लेनेशन देना है विद रेलिवेंट एक्साम्पल्स तो पहले हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एंड सोशलिज्म ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट आप ऐसा एक टॉपिक बना सकते हैं बॉडी के विधि और आप बता सकते हैं कि कैसे ये सब चीज स्टार्ट हुआ और हम लोग देखते हैं कि उनका आइडिया क्या था सोशलिज्म का तो नेहरू सोशलिस्ट आइडियाज वर तो बाय हिज ट्रेवल्स टू यूरोप एंड सोवियत यूनियन वेयर ही सॉ फर्स्ट हैंड पोटेंशियल ऑफ सोशलिज्म टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी देखिए आपको पता है आफ्टर अक्टूबर रिवोल्यूशन सेवनटीन कम्युनिज्म की बात बहुत ज्यादा होने लगी बट सोशलिज्म फार डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट मेंटेटी

कम तो उन्होंने लग, उनको लगा कि दिस इज नॉट अ सोसाइटी ड्रीम ऑफ तो उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कैसे उन्होंने धीरे 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 करके जो है सोशलिज्म को इंक्लूड करते चले गए अलॉन्ग विध इंडिपेंडेंसाउट फॉर सोशलिज्मीज आपको सोशलिज्म का बाद जो है वो स्टार्ट हो गया था इंडिया में एंड नाइनटीन ट्वेंटी का समय जो था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम बहुत सारे यंग लीडर्स थे ठीक है जैसे जे एल नेहरू हुए सुभाष चंद्र बोस हुए ये इनका एंट्री होता है हमारे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सी में इनका एंट्री होता है तो ये क्योंकि न्यू यंग जो आप बोल सकते हैं उस समय यंग नेशनलिस्ट थे तो ये अपना एक देयर व्यू पॉइंट जैसे कि भी socialist, socialist वैसे ही सुभाष चंद्र बोस भी तो ये सब अपना एक एक, आप बोल सकते, किया इन्होंने ही आर्ग्यूड दैट सोशलिज्मली वे टू अचीव दोल इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एट दी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश रूल के एंड के साथ सोशलिज्म अचीव करना भी जो है उसको भी गोल होना चाहिए इंडियन

अब यहां पर देखिए क्या था जो टसल होना स्टार्ट हुआ क्या हुआ कि सम ऑफ अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इवन महात्मा गांधी जो थे वो भी बिलीव करते थे कि सोशलिज्म टू रेडिकल एंड वुड एलिनिएट द इंडियन पीपल जो अर्ली जो आइडियोलॉजीज थे जेएल नेहरू के वो बहुत ही मार्क्सिस्ट के तरफ इंक्लाइंड थे तो गांधी जी को लग रहा था कि अर्ली क्योंकि अभी अभी हमारे जो है 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 पूरा पब्लिक इस इस तरह तरह से 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 रेडी नहीं नहीं के बारे में अच्छे से जानते नहीं है, तो ये अगर हम लोग पूरी फोकस करेंगे सोशलिज्म में तो हो सकता है कि कुछ हमारी यूनिटी में ब्रेक हो जाए क्योंकि बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग भी हमारे साथ थे अलॉन्ग विन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल तो इस तरह की चीजों को लेकर वो काफी ज़्यादा स्केप्टिक थे कि आपको अभी जो है इस तरह के आइडियाज़ को प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि गांधी जी ने नेहरू जी के सोशलिज्म को कुछ

टू रेज अवेर एंड दे इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू वर्क फॉर सोशल स्टार्टिंग में जब ये आइडिया प्रोपोगेट किया गया उसके बाद धीरे धीरे में ये ग्रो किया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हर जगह सोशलिज्म की बात होने लगी तो एक तरह से यह सोशल चेंज की तरफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने

Principles. अगर हम लोग अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो अभी आपको पता है कि हमारे प्रिंसिपल्स में बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल है एंड वन इज इंटेलेक्चुअल। तो अगर हम लोग सोशलिज्म की बात करें जो भी आपका आर्टिकल थर्टी ए बी और ये जो आर्टिकल फोर्टी में आते हैं तो यहां पर क्या है कि बहुत सारा आपको हिंट्स देखने को मिलेगा जो कि 1930s में जो आइडिया प्रोपोगेट किया गया था इवन आपको पता है जो हमारा प्रियम्बल है उसका अर्ली डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी सोशलिज्म का आपको पता है बहुत ज्यादा हिंट आपको देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस की बात होती है तो यहां पर जो है ये सब सब आइडियाज है ये

सारे सोशलिस्ट आइडियल्स भी बने ठीक है सोशलिस्ट लीडर्स बने जो कि नेहरू के को को लेके आगे बढ़े हो हो सकता है लेटर उनमें बहुत सारा डिफरेंसेस आ गया हो। लेकिन अर्ली जो सोशलिस्ट लीडर्स थे वो बहुत इंस्पायर्ड थे नेहरू के आइडिया से जैसे अर्ली लीडर्स आप बोल सकते हैं राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण हु प्लेड क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिया सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड एडवोकेटिंग फॉर माजलाइन सेक्शन ठीक है क्योंकि इन्होंने लेटर ऑन बहुत ज्यादा सोशलिज्म पर काम किया और इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो सोशलिज्म पर ही बेस्ड था तो यहां पर हमने देख लिया कि कैसे ये आइडियाज इन्फ्लुएंस किया विद इन इंडिया कुछ प्री इंडिपेंडेंस कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमने लिख दिया इसके अलावा भी आप कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि सोशलिज्म में हमारे कंट्री में हुआ ड्यू टू जेएल नेहरू आप उसको यहां पे कोट कर सकते हैं तो आपने अच्छे से बता दिया कि उस टाइम उन्होंने क्या किया उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ इंडिया पर तो ये आपने अच्छे से एड्रेस कर दिया देखिए मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको इसमें वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है कंटेंट पर दीजिए क्योंकि दिस इज अ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं सोच सकते हैं। लेकिन स्टिल कोशिश करिए कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप जनरेट कर पाए और विदिन टू हंड्रेड वर्ड्स और टू वर्ड्स आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर देंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स क्योंकि बाकी जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है उनको इसमें हो सकता है कि दो ही पॉइंट याद है तीन ही पॉइंट याद है तो आपको उनसे बेटर होना है आपको पता है दिस इज रिलेटिव एग्जाम जब भी आप बेटर लिखेंगे तो आपको किसी के आ, रिलेटिव में ज्यादा नंबर मिलेगा तो इसको आपको कोशिश करना है कि आपको जवाहरलाल नेहरू टू इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स इवन टूडे इन दी कर सोशलिस्ट आइडियाज आर स्टिल रेलिवेंट एज दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया ठीक है वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज कंक्लूजन और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन और एक सेंस ऑफ फीलिंग दिखा रहा है कि आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया है तो हमने सब चीजों को एड्रेस किया यहां पर कोशिश करिए कि आप कुछ वैल्यू एडेड पॉइंट्स गूगल सर्च करिए और उसको यहाँ पर अपने कहीं नोट्स में अगर आप मेंस की नोट्स बना रहे हैं जी वन का नोट्स बना रहे हैं रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज तो उसको आप कहीं पर लिख लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पर कुछ नोट्स बना के कुछ रेडी टू यूज़ पॉइंट्स रखिए जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए जवाहरलाल नेहरू हुए महात्मा गांधी हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि एनी बेसेंट आप तिलक के बारे में तो अगर आप इस तरह से कुछ रैंडम आप जो कुछ अगर रेडी करके रखते हैं कुछ पॉइंट्स कुछ लीडर्स पे तो अगर इस पर बेस आपसे जीएस वन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वो पॉइंट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेव कर सकते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मैक्सिमम टाइम दैट यू गेट वाइल आंसरिंग अ 50 क्वेश्चन इज 10 मिनट्स 10 मिनट से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी दूसरे क्वेश्चन में अपने टाइम को लूज करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू